क्लास टेंथ की रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए स्कूल ने आपको और आपके दो फ्रेंड्स को क्लास लाइब्रेरी सेटअप करने की ड्यूटी दी है। आपके पास दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्लास टेंथ के सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में स्टूडेंट हैं 36। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स के लिए हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिएगा, जिसके लिए मैं 32 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। 2 16s are 32 और 2 18s are 36, 2 8s are 16 और 2 9s are 18, 2 4s are 8, 9 as it is रहेगा, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। स्पेस मेरे पास थोड़ी कम है तो मैं 9 को आगे आपके लिए शो कर देती हूँ। आप सब जानते हैं 3 3s are 9 होता है, तो दो फैक्टर हमारे पास 3 के भी आ जाएंगे। एलसीएम निकालने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। 2 हमारे पास है 5 टाइम्स और 3 है 2 टाइम्स। 2 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 32 और 3 3s are 9, 32 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 288। अपने आंसर्स में चेक करेंगे, 288 हमारा सी पार्ट पे आंसर गिवन है, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एलसीएम। तो बस प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स जो है हमारे पास है 32 और 36, तो इन दोनों का प्रोडक्ट रखेंगे 32 × 36 और ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ के। एलसीएम हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला है जो कि था 288, तो इस इक्वेशन में एलसीएम की वैल्यू पुट करेंगे 288 एचसीएफ निकालने के लिए 288 को ट्रांसपोज करके डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने अभी पिछले इक्वेशन में 288 निकाला था 32 को 9 से मल्टीप्लाई करके, तो मैं डायरेक्ट 32 को 288 से कट कर दूंगी और 9 लिख दूंगी। 9 4 होता है 36, तो मेरे पास HCF आ गया 4। हमारे ऑप्शंस में बी पार्ट पर दिया हुआ है 4, इसे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे 36 को प्राइम फैक्टर्स में डिस्क्राइब करना है, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान है। 2 18s are 2 9s are 3 3s are 9 और 3 1s are 3, मेरे पास सारे फैक्टर्स आ गए 2 times 2 और 2 times 3 और मुझे ए ऑप्शन में ये आंसर मिल रहा है, तो मैं इसे टिक कर दूंगी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.2 में भी करे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे पहले मल्टीपल्स का एक ग्रुप बना रही हूँ। पहला ग्रुप है मेरा जो मैं शो कर रही हूँ और दूसरा ग्रुप है जिसमें सिर्फ 15 है। इससे 15 को कॉमन लेने में आसानी मिलेगी। फर्स्ट ग्रुप में बचा 7 × 11 × 13 और सेकेंड ग्रुप में बचा 1। जीरो मत लिखना क्योंकि 15 × 0 जीरो होता है, लेकिन यहाँ 15 है तो 1 कॉमन बचेगा। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 7 × 11 करेंगे तो हमें मिलेगा 77 और 77 को 13 से मैंने आपके लिए मल्टीप्लाई करके शो कर दिया है। मल्टीप्लाई करके आया और इसके साथ 1 ऐड भी करना है तो मिल जाएगा 1002। 15 के मल्टीपल्स हमें पता है 3 × 5 होते हैं और 1002 को आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 तो सभी का फैक्टर है, यानी कि वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम की कैटेगरी में जाते हैं और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 15 में 3 और 5 2 फैक्टर तो ये हो गए, और जब मैं 102 को भी आगे फैक्टराइज करूँगी तो मुझे और भी फैक्टर्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ मुझे 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 5 भी मिल गया। तो आगे आप ना भी सॉल्व करें क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको आंसर टिक करना है। आपको पता है प्राइम की कैटेगरी से तो बाहर निकल चुका है, तो मेरे पास आया कंपोजिट। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने अभी देखा कि प्राइम की कैटेगरी से बाहर निकल गया, और नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। तो बस बी
आंसर टेक करेंगे और ज़्यादा सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर गिवन है, हमें सिर्फ टिक करना है।